मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज किए हैं, कॉल किए हैं, इसलिए बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद। और बहुत सारे स्टूडेंट मैंने प्रॉब्लम सारी बताए हैं, क्या प्रॉब्लम है। आप लोगों के साथ किसी भी अगर प्रकार का प्रॉब्लम हो तो मुझे भेजा कॉल कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन नंबर वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा कॉल ना करें, मैं एक बार कॉल कर दूँ तो दोबारा कॉल मत करें, मैं मौका मिलती है समय मिलते मैं कॉल बैक कर दूँगा। और बता देता हूँ सबसे पहले डिस्क्रिप्शन जाए वहाँ पर मेरा नंबर रहेगा, अगर मैं नहीं बात कर पाया तो व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले बता देता हूँ अगर आप इस वीडियो को एक सेकंड पाउच भी नहीं करें, कंटिन्यू शुरू से लेकर अंत तक देखते रहे, मैं अच्छे से हर स्टूडेंट को चाहता हूँ अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बहुत पूछते रहते क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन क्यों पूछते, जब समझने की कोशिश करो, बहुत ही अच्छी बात है, समझ लोगे। जो दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं, इसकी स्टेबिलिटी ईयर मतलब 2008 में है, ऑनरशिप गवर्नमेंट है, अप्रूव्ड बाय AICTE बनाते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होता है, AICTE का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसकी फैसिलिटी देख लेते हैं, बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, जिम है, लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम नहीं है, कैटरिंग की व्यवस्था नहीं है, IT है, मेडिकल नहीं है, इतना सारी व्यवस्था दिए गए हैं। फैकल्टी जान लेते हैं, फैकल्टी है यहाँ पे 35, बहुत अच्छी बात है, फैकल्टी की संख्या कुछ अच्छी कॉलेज से भी अच्छा है। बस स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो 27:1 के आसपास है, एक टीचर 27 स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इतना फी है, ये फी के बारे में बता देता हूँ। और नीचे देखते हैं ओवर रेटिंग के बारे में, यहाँ प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं हम लोग, प्लेसमेंट के बारे में सबसे पहले 5 में 1.5, यहाँ प्लेसमेंट बहुत कम है, बहुत ही कम है, ठीक है। फैसिलिटी देख लेते हैं, यहाँ पे 5 में 2.6 फैसिलिटी है, हॉस्टल है 5 में 3.7, रेशियो कॉलेज लाइफ 3.4, इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स 1.5 और इनफेक्चर मतलब 2.2 है। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी किए हैं, यहाँ पर देख रहे रिव्यू देख लेते हैं, द कैंपस इज वेरी स्मॉल, इसकी कैंपस बहुत छोटी है, मैं बता देता हूँ, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेशन पार्ट इज यू विल नीड गेट इट। और मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ दरभंगा कॉलेज बने, ये दरभंगा कॉलेज आप देख लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होगा कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा, देख रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज का है। और यह भी देख लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी देख लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज दरभंगा का है, इसका कैंपस बहुत छोटा है लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी कॉलेज है, आप लोग चूज कर सकते हैं इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है। और लोकेशन का देख लेते हैं, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोबी PO लाल शाहपुर दरभंगा बिहार के, इतना पिन कोड है, ये रहा इसके कॉलेज के लोकेशंस, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ इसका कोर्स के बारे में, कोर्स के बारे में देखने मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60 कोर्स है, सीट की संख्या इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग 60 है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 60 है, सिविल इंजीनियरिंग 60 है, ये सब 60 है। पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स के नहीं बता रहे यहाँ पे, इतनी फी भी लगती है इतना ही पे। और कटअप के बारे में बता देता हूँ, कटअप बहुत सारे स्टूडेंट पूछे सर कितनी कटअप जाएगी इसके आसपास, बता देता हूँ कटअप के बारे में, जस्ट वेट यहाँ पे मैं डाटा ऑफ किया हुआ था। अब कटअप के बारे में बता देता हूँ, देखो किसी दोस्त को बहुत सारे क्वेश्चन पूछना रहता है, मुझे कमेंट कर दे सकते हैं नीचे या डिस्क्रिप्शन जाए वहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट करके। कटअप के बारे में देख लेते हैं, कैटेगरी देख लेते हैं, सबसे पहले मैं बताता हूँ EBC के बारे में, देख लो यहाँ पे EBC रैंक BTEC कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का रैंक जाता है 13,401 के आसपास जाता है, इतना स्टूडेंट ले सकते, इसमें ले नहीं सकते मतलब इसमें से कुछ नहीं सेलेक्ट हो पाते, वही बता रहे हैं। इसमें रैंक और रिजर्व के बारे में मतलब 9,200, BTEC इलेक्ट्रिक 9,000 और BTEC मैकेनिकल का 35,066 जाते हैं। अब मैं आज बात करता हूँ EBC के बारे में, EBC के बारे में दिखा देता हूँ कैटेगरी EBC का, अभी मैं EBC के बारे में बता रहा था, अनरिजर्व का दिखा देता हूँ। अनरिजर्व का देखिए UR अकाउंट 74 जाते हैं और 6,621 अनरिजर्व का है, 46,44 अनरिजर्व का है, 55,54 मतलब इस अनरिजर्व की ज़्यादा सीट नहीं जाएगी अनरिजर्व UR जनरल कैटेगरी से। और मैं बता देता हूँ SC कैटेगरीज के बारे में बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर SC कैटेगरीज के बारे में बताइए, SC के बारे में बता देता हूँ, देखिए SC के बारे में बता देता हूँ, SC का रैंक जाता है 73,442 में जनरल से जाती है और SC से इतना था, अब देख सकते हैं कि रैंक काफ़ी लो ही रहती है, आप लोग सोच सकते हैं क्या करना है। रिव्यू के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे एक्सलेंट 1, वेरी गुड 3, गुड में 14 जाती है, 5 में एवरेज 2, बोलो एवरेज 2 मतलब ये रहा गुड एवरेज। अब मैं कॉलेज की कंपेयर करके बताता हूँ कि हु इज़ द बेस्ट कॉलेज, दरभंगा से कंपेयर किसके साथ करूँ, आई थिंक मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ दरभंगा के साथ MIT को करके देखता हूँ, मुजफ्फरपुर टेक्नोलॉजी को, क्या इसमें कमी है। सबसे पहले रैंक दरभंगा को AAA नहीं मिला है लेकिन मुजफ्फरपुर MIT इंस्टीट्यूट को AAA है, ओवर रेटिंग 2.7 है, इसमें रेटिंग 3.5 है, बहुत अच्छी बात है। इसमें दरभंगा में 82% लाइक करते हैं, 100% MIT का है, ये तो लोकेशन बता रहे हैं इसका 2008, इसमें 1954 गवर्नमेंट एप्रीवेट कॉलेज या फिर AICTE सब यही बता रहे हैं। कोर्स अंडर ग्रेजुएट के कोर्स देखें दरभंगा में सीटों की संख्या 120 है, मतलब कि टोटल संख्या
480 के आसपास है। मैकेनिकल में 120 है, इसमें भी उसी प्रकार सीट है। इसमें MIT में देख सकते हैं, इसमें IT नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक लेदर भी नहीं है, लेदर का 30 दे दिया है, इलेक्ट्रॉनिक जो 80 है, मतलब सीटों की संख्या बढ़ोतरी की जा चुकी है, 120 कर दी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे BCC फैकल्टी देखते हैं। दरभंगा फैसले फैकल्टी की संख्या 35 है और मुजफ्फरपुर में 66 फैकल्टी, इसमें स्टूडेंट 240 होता है दरभंगा में और मुजफ्फरपुर में 326 का होता है। फैकल्टी की रेशियो 27:1 कुछ खास नहीं है, मिला जुला के सब ठीक है। 18:1 बॉयज हॉस्टल है इसमें दरभंगा में, गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज हॉस्टल है, मुजफ्फरपुर में बॉयज हॉस्टल है और दरभंगा में गर्ल्स हॉस्टल भी है। इसमें गर्ल्स हॉस्टल जिम है, इसमें मुजफ्फरपुर में एक चीज़ कमी है, जिम नहीं है इसमें, और कैटरिंग नहीं है इसमें भी, नहीं है कैटरिंग नहीं है। नो, इसमें स्पोर्ट कैंपेक्स भी है मुजफ्फरपुर में, इसमें नहीं है। लाइब्रेरी है, मेडिकल नहीं, इसमें मेडिकल है नहीं है। IT भी है और कॉलेज नाइट में थे बेसर फॉलोज अटा जनरल 22:1 मतलब लड़के 22 से गर्ल्स 1 रहते हैं, यहाँ पे 29 जनरल 1 29:1 मतलब इसमें कुछ लड़के कम रहते हैं फिर भी ठीक है। उम्र मैक्सिमम 21-19 के आसपास रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साइड सेंट्रल में ये लोकेशन ज्योग्राफी डाइवर्सिटी बता रहे हैं यहाँ पे। और बिहार में 63% जो लाइक मिला है दरभंगा को, 80 से कुछ खास नहीं मिला जुला सब ठीक है। जरा झारखंड 10%, मैं सिलेक्ट करता हूँ दरभंगा कॉलेज बेटर है। ये रहा उत्तर प्रदेश का 6%, मतलब मिला जुला के बात वही पढ़ते हैं, सब कॉलेज अच्छे होते हैं, बस पढ़ने वाले के ऊपर लगन और चाहत होनी चाहिए पढ़ने के ऊपर, बात बाकी ठीक है। अब इसी के साथ मैं अलविदा करता हूँ। और दोस्तों मैं अब बता देता हूँ, आप लोग किसी प्रकार का कंपेयर भी चाहते हैं किसी कॉलेज को मैं करूँ किसी और कॉलेज के बारे में, तो मुझे बेझिझक कर सकते हैं कमेंट, मुझे बता भी सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।